नमस्कार, मैं AS राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस की डेली वोकैबुलरी क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के साथ। आज का फर्स्ट वर्ड है मेरे पास स्टीयर। स्टीयर की स्पेलिंग देखिए, STEER। स्टीयर का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना या फिर किसी को कोई रास्ता बताना। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो लड़की है ये गाइड है इन सब की एक टूर पे, और ये सब इनको इन सबको रास्ता दिखा रही है, ठीक है। या फिर नॉर्मल में भी कह सकते हैं किसी को गाइड करना है, किसी को डायरेक्ट करना, क्या कहलाता है, स्टीयर कहलाता है, ठीक है। अगर अपन इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में मेरे पास इसका गाइड, गाइड करना मतलब किसी को रास्ता दिखाना, और डायरेक्ट करना मतलब किसी को किसी डायरेक्शन में भेजना, मतलब, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका अबेंडन मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, मतलब किसी को कुछ हेल्प नहीं करना, अकेला छोड़ देना, ठीक है। तो ये था अपने पास स्टीयर। नेक्स्ट वर्ड अपने पास ब्लेंड। देखो BL, एक होता है BLAND और एक होता है BLEND। क्या होता है BLEND? ब्लेंड का मतलब होता है चीजों को मिक्स कर देना एक दूसरे में, ठीक है। और जो कि अभी वाला ब्लेंड है BLAND, इसका मतलब होता है चीजें स्वादहीन होना, जिसमें टेस्ट लेस कह सकते हैं जिसको, अपना टेस्ट नहीं होना। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो नट्स हैं या जो भी हैं, ये आपको मतलब एग्जांपल है कि ये स्वादहीन हो सकते हैं। तो स्वादहीन समझ रहे हैं आप कि ये टेस्टलेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर अपन सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में ब्लैमी एंड डल, दोनों का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें लाइट ना हो, जिसमें कुछ मतलब बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, इंटरेस्ट ना हो जिसमें इंसान का, वो क्या कहलाते हैं, ब्लैमी कहलाएगा और डल कहलाएगा, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, किसी से परे हटके होना, जिसमें कुछ अलग ही टेस्ट हो। और शार्प का मतलब भी होता है तीखा होना, मतलब इतने टेस्ट में कह सकते हैं या अलग चीजों में भी कह सकते हैं शार्प को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है चीजों को एक साथ करना या फिर चीजों को चिपकाना। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये क्या है, इन दोनों जो बॉक्सेस हैं इन दोनों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चिपकाने को पेपर चिपका सकते हैं या कुछ भी चिपका सकते हैं। अमलगमन करना मतलब चिपकाना होता है, ठीक है। अगर सिनोनिम की बात करें तो एफिलिएशन मतलब होता है किसी से जुड़ाव करना, और कपलिंग का मतलब होता है कि कोई दो चीजों को जोड़ना, कपलिंग कहलाता है, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करते हैं, एंटोनिम अपने पास क्लैशेस, क्लैशेस मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा होना, मतलब अलग होना। और डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब भी क्या होता है, किसी से एग्रीमेंट से अलग होना, मतलब किसी से टूटना, जुड़ना नहीं, जुड़ने का अपोजिट हो गया डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड अपने पास इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, किसी की भी कॉपी करना क्या कहलाता है, इमिटेशन कहलाता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो बच्ची है ये अपनी मम्मी की क्या कर रही है, कॉपी कर रही है, सेम टू सेम, देखो देख सकते हो बिल्कुल। तो कॉपी करने का मतलब क्या होता है, इमिटेशन होता है, ठीक है। और मेन हो गया कॉपी करने वाला। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम में बोगस एंड शूडो। शूडो का मतलब होता है जो अगर रियल ना हो, जो आपने कहीं से कॉपी किया हो, वो हो गया शूडो। और बोगस का मतलब भी होता है जो कहीं से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अगर अपन एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है जो रियल होता है, ठीक है, जो किसी का कॉपी नहीं होता, वो क्या होता है, जेन्युइन होता है। और रियल मतलब होता है रियल, तो ये किसके अपोजिट हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे अपने इमिटेशन के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कॉपी करने के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास हॉल। हॉल का मतलब होता है कि खींचा खाची करना या फिर अपनी तरफ किसी को खींचना, ठीक है। जैसा इस फोटो में देख सकते हैं, इस फोटो में ये चल रही टग ऑफ वार, जो इस रस्सी खींच को कहते हैं इंग्लिश में टग ऑफ वार, या सबने खेला होगा। तो इस रस्सी खींच को क्या कहते हैं, टग ऑफ वार कर रहे हैं, मतलब खींचा खांची कर रहे हैं। ये वाला ग्रुप इस तरफ खींच रहा है अपनी तरफ, और ये वाला ग्रुप खींच रहा है इस तरफ, तो ये क्या लगेगा, हॉल का लगेगा। देखा HAUL, ठीक है। अगर सिनोनिम की बात करूं, सिनोनिम में टग, टग मतलब अपनी तरफ खींचना, और ट्रेल मतलब भी क्या होता है, ट्रेल मतलब होता है बढ़ावा लेना अपनी तरफ, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना, और पुल का मतलब होता है खींचना, और फोर्स लगाना मतलब क्या हो गया, धक्का देना हो गया, ठीक हो, किसी को, समझ गए। अपन बात करते हैं रिपरकशंस। रिपरकशंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया होना। जैसे आपने कुछ गलत बोला तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, आपने पढ़ाई की तो उसकी प्रतिक्रिया ये होगी कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप अगर सोते रहे तो उसकी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि आप फेल हो गए। तो किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया होना, जैसे इधर अपन ने एक्शन किया, मतलब अपन इधर कोई फोर्स लगाया तो इधर से ये उठेगा, तो ये क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी इस काम की, ये प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। तो हर काम की कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, रिपरकशंस कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में अपने पास इफेक्ट होना किसी के ऊपर, या फिर आउटकम निकलना, कोई रिजल्ट निकलना, कोई प्रतिक्रिया निकलना क्या कहलाएगा, अपने पास आउटकम कहलाएगा। और ये जस्ट किसके सिनोनिम हो जाएंगे, रिपरकशंस के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है कॉजेस, रीजन क्या है, कॉज क्या है, ठीक है। तो कॉजेस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिपरकशन का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें अपने पास, तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास मीनेस।
मीनेंस का मतलब होता है धमकी या फिर खतरनाक, जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, या किसी के लिए और किसी के लिए खतरनाक साबित होना, ठीक है, या तो किसी को धमकी देना या फिर किसी के लिए खतरनाक साबित होना क्या कहलाता है, मीनेंस कहलाता है, ठीक है। जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं कि जो फोटो है ये हमने ओसामा बिन लादेन की, लादेन क्या था, खतरनाक भी था टेररिस्ट भी था, मतलब इस कंसेप्ट में समझिए कि मीनेस का मीनिंग क्या निकल रहा है, और धमकी भरा था मतलब एक तरह से इंसान, तो मतलब खतरनाक होना किसी के लिए क्या कहलाता है, मीनेस कहलाता है। अगर सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम इसके लिए जियो पैराडाइज, जियो पैराडाइज का मतलब ये होता है खतरनाक होना या फिर नुकसानदायक होना, और हैजार्ड मतलब तो होता है नुकसान, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में किसी को प्रोटेक्ट करना मतलब किसी को बचाना क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, और डिफेंड मतलब क्या होता है, डिफेंड मतलब भी किसी का बचाव करना क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है मीनेस का, मीनेस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट का मतलब होता है कोई चीज तबाह होना या फिर कोई चीज बर्बाद हो जाना या फिर कोई चीज खत्म हो जाना क्या कहलाती है, डेटीरियोरेट कहलाता है। जैसे फोटो में देख सकते हैं ये जो झोपड़ी है ये समय के साथ नष्ट हो चुकी है, क्यों, क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ है। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है कि क्यों कोई चीज नष्ट हुई है, बट नष्ट होना क्या कहलाता है, डेटीरियोरेट कहलाता है, ठीक है। अगर सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम अपने पास डीके, डीके मतलब भी किसी चीज का खत्म होना धीरे धीरे, और लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे खत्म होना। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में रिकवर करना मतलब किसी चीज को वापस प्राप्त करना, और फ्लरिश मतलब होता है किसी चीज को, उजड़ी हुई चीज को वापस से उत्थान करना, क्या कहलाता है, फ्लरिश कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज से संतुष्ट होना, संतुष्ट होना मतलब क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन होता है। जैसा इस फोटो में देख सकते हैं कि एक अच्छी डाइट लेने से क्या होता है कि मन जो है वो संतुष्ट होता है, ये क्या है, एक अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है, इस हेल्दी डाइट को लेने से क्या होता है, मन जो है संतुष्ट होता है, ठीक है, सेटिस्फाई होता है, डिलाइटफुल फील करता है, ग्रेटिफाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया संतुष्ट होना। अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम अपने पास सेटिस्फिकेशन या सेटिस्फाई मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होना, और डिलाइट मतलब भी क्या होता है, जो मन से प्रसन्न हो जाना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में डिसकंटेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज से नाखुश होना, या फिर डिसएंचेंटमेंट का मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज के प्रति नाखुश होना या फिर किसी चीज से पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पाना क्या कहलाता है, डिसएंचेंटमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास ग्लीफुल, ग्लीफुल मतलब होता है कि कोई चीज आपको खुशी प्रदान करती हो, वो क्या कहलाती है, ग्लीफुल कहलाती है। जैसे इस फोटो में देख सकते हैं इस जो शेफ है ये इसको खाना बनाना क्या प्रोवाइड कराती है, खुशी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, या फिर अच्छा खाना बनाने से क्या मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। अगर सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम में यूफोरिक या फिर जॉयस, यूफोरिया का मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है, और जॉयस का मतलब तो जॉयस है ही है, जॉय से रिलेटेड है। एंटोनिम की बात करते हैं, एंटोनिम में डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब होता है कि मायूस होना या फिर उदास होना, ठीक है। और डिप्रेस का मतलब भी क्या होता है, डिप्रेस का मतलब होता है खुश ना होना, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड, उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको इंग्लिश ग्रामर से या फिर वोकैबुलरी में कोई डाउट है तो आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उनके सब डाउट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप फटाफट से हमारी कोचिंग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।